Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the... हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 16th of March और आज से ना कुछ का स्कूल सुबह का हो गया, मतलब वो 8:30 बजे जाएगी, अब 1:30 बजे आएगी। तो आज सुबह सुबह स्कूल चली गई और सुबह ही मैंने उठकर कुछ काम वाम कर लिया था, तो आज काम जल्दी हो गया मेरा, बस खाना बनाना थोड़ा सा रह रहा था। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं भी नहा धो के तैयार हो गई और हम दोनों अब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर लंच की तैयारी मतलब हो चुकी है, बस मुझे फिर बना करके नीचे पापा जी मम्मी जी और दादी को देना है। तो पहले ही अपनी पेट पूजा कर लूँ मैं, क्योंकि मुझे तो जब बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो और आज ना मुझे सुबह से मीशो से मेरा कुरियर भी रिसीव हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो कुर्ता कैसा है। मैंने काफ्तान कुर्ता मंगवाया, क्योंकि अभी ना सारे कुर्ते इतने टाइट हो गए हैं कि कोई कपड़ा ही नहीं आ रहा, तो मैंने एक दो कुर्ते ऑर्डर करे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ऑर्डर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई साइज़ ही नहीं है, अभी ऐसा है कि एक्स्ट्रा लार्ज ही लेना पड़ रहा है सब कुछ। तो अभी मैं आप लोगों को उसका रिव्यू भी दिखाऊंगी और मैंने एक नाइफ सेट भी ऑर्डर किया था अमेज़न से, उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में और देखिएगा कि व्लॉग में आगे क्या क्या होता है। तो ये है वो नाइफ सेट जो मैंने ऑर्डर किया था। वैसे अमेज़न पे बहुत सारे नाइफ सेट हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एक बार अगर मैं लूँ क्या पता अच्छा हो ना हो, तो मेरा ये था कि मतलब जो मीडियम रेंज का हो ना मैं वो लूँ, क्या पता मेरा मन भर जाए इससे, उसके बाद मैं कुछ और लेना चाहूँ। तो ये मुझे पड़ा 289 या 299 का, मैं आपको लिंक इसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये नाइफ सेट अच्छा है, इसमें दो कलर्स थे लेकिन एक था शायद पर्पल जो आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने ये मंगवाया। और ये मैंने मंगवाया है मीशो से और ये काफ्तान कुर्ता है और ये भी 289 का मुझे पड़ा था, क्योंकि और इसको मैंने बहुत जगह पे और भी देखा अमेज़न वगैरह पे, बहुत महंगा था लेकिन उस पर थोड़ा सा इसका रेट जो था वो जेन्युइन था और काफ़ी अच्छा है, कपड़ा भी सही है, गर्मियों के लिए तो भाई बहुत सही लग रहा है मुझे, बिल्कुल हल्का लग रहा है पहनने पे ये, लेकिन फिर भी ये मुझे फिट हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ढीला हो रहा है। अब राहुल जा रहे हैं ऑफिस और पता है अंगूर मैंने आपको दिखाए थे बहुत सारे आ गए थे, मम्मी जी ने भी 1-2 किलो ले लिया था, राहुल ने भी ले लिया था, तो मैंने सोचा इसकी चटनी बना दूँ क्योंकि ख़राब होने लग रहे थे। तो मैं जो अंगूर अच्छे बच रहे थे मैंने उन सबको कट कर दिया और उसकी चटनी बना रही हूँ। उसमें मैंने पहले कढ़ाई में तेल डाला है, तेल डालने के बाद मैंने इसमें डाला है जीरा, जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी दालचीनी और इलायची, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, जो शादियों में नहीं होती चटनी बिल्कुल वैसा लगता है, बस इसमें सौंठ की कमी थी और कुछ भी कमी नहीं थी। अब कुछ गुड़ पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने वो डाल दिया, आप चाहें तो इसका जो गुड़ का चूरा सा आता है वो भी आप डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो, गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लेता, 5 से 10 मिनट के अंदर ना इसी के अंदर घुल जाएगा पूरा का पूरा। तो गुड़ डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दे रही हूँ और ये कढ़ाई ना पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी लगने लगी ना लोहे की कढ़ाई, पहले मैं इसमें काम ही नहीं कर रही थी, मुझे अच्छा लगता था इसको देख करके, लेकिन इसमें काम करने के बाद पता चला कि इसमें सब्जी या कोई भी चीज़ कितनी अच्छी लगती है खाने में भी और बनती है बहुत अच्छे तरीके से है, तो ऑयल कम लगता है। तो उसके बाद मैं इसमें चीनी भी डाल दिया और चीनी और गुड़ को साथ में मेल्ट कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ का तो अलग फ्लेवर आता है और चीनी का अलग फ्लेवर आता है, थोड़ा मीठा होना चाहिए क्योंकि मम्मी जी को मीठा पसंद है, दादी को भी। ये चटनी वैसे मैं नहीं खाने वाली, मुझे मीठी चटनी वटनी बहुत कम पसंद है, मम्मी जी और दादी को ही मैं दूंगी, उन दोनों को मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जब ये मेल्ट हो गया तो मैंने डाल दिया इसमें अंगूर और अंगूर का कलर कितना प्यारा लग रहा है इस चटनी में। अंगूर डालने के बाद मैं इसको सॉटे करूंगी अच्छे तरीके से और हल्का सा नमक डालूंगी और एक खट्टी मीठी चटनी ना बहुत ही अमेजिंग लग रही थी खाने में, मतलब मैं इन चीज़ों को बहुत ही कम खाती हूँ जो चटनी वगैरह होती है, मीठी चटनी स्पेशली मेरे से नहीं खाई जाती। और इसमें मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए और हींग, हींग तो भैया एक अलग ही फ्लेवर देता है इसके अंदर। और मैं बता रही थी मैं नहीं खा पाती, लेकिन इस चटनी को मैंने जब टेस्ट किया ना मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत ही रखा था मैंने अपने लिए लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें मैंने वो मसाला डाल दिया जो मम्मी ने मुझे बनाकर भेजा था, जिसमें उन्होंने जीरा का पाउडर वगैरह बना के भेजा था, वो डाला उसमें डाल दिया मैंने पानी ताकि अंगूर गल जाए, उसके जो चंक्स हैं ना वो ना आए मुंह में, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद डाल दिया मैंने पानी और फ्लेम को भी मैंने हाई कर दिया क्योंकि पानी है इसके अंदर, और 5 मिनट के अंदर ही मैंने हटा के देखा, जैसे देखिए किस तरह से बॉईल हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया और फिर उसको थोड़ी देर और पकने दिया और फिर फ्लेम हाई करके पानी को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। आप देखिए आपका आपका मन, आप इसको ज़्यादा थिक चाहते हो थिन चाहते हो, तो मेरे को ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट लगी। तो उसके बाद मैंने इसको मैश किया और मैश भी बहुत प्रॉपर तरीके से हुआ और बन गई मेरी अंगूर की चटनी, अंगूर वेस्ट भी नहीं और चटनी बन गई, तो मज़ा आया। अब मैंने चटनी बनाई, उसके बाद खाने बना लिया था और पुच्चू आ गई स्कूल से, स्कूल से आती हो ना दादाजी के साथ तो अपनी चिज्जी लेते हुए आती हो, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ जो भी स्कूल की सारी मुझे सुनाते हुए आती है। अभी इसी दिन शाम की क्लिप है, मम्मी जी मैं और दादी हम तीनों छत पे गए थे क्योंकि ना मम्मी जी ने आलू लगाए हैं ऊपर, आलू और बहुत चीज़ें लगा दी उन्होंने, प्याज और लहसुन वगैरह, मैं भी छत पे जा नहीं रही हूँ तो मम्मी जी ही जा रही हूँ, मम्मी जी यही सारी चीज़ें लगा रही, वरना मेरा था कि मैं एक तरफ फूल लगाऊंगी लेकिन अभी मैं बिल्कुल केयर नहीं कर पाऊंगी, तो मम्मी जी जो लगा रही हैं वो लगा रही हैं, तो अच्छा है
ये भी घर में बागवानी हो रही है और खाने के लिए मिल जा रहा है ऑर्गेनिक चीज़ें और फ्रेश चीज़ें। देखिए ना, देसी गुलाब है, कितना खिला हुआ है ना अच्छे तरीके से, और ये जितने आपको पत्ते दिख रहे हैं ना, सारे लहसुन के हैं। इसके अंदर लहसुन होंगे ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कुछ फूल लगाए थे, ये एक साग है, शायद इसको गिन्हारी का साग बोलते हैं। और ये सन कितना प्यारा लग रहा है ना, सनसेट होने का टाइम था, शाम के बज रहे थे 5, पुच्चू गई हुई थी ट्यूशन, 5:30 बज रहे थे, पुच्चू गई हुई थी ट्यूशन और हम चले आए थे छत पे। राहुल ऑफिस थे, ऑफिस से राहुल आए नहीं थे उस टाइम तक। उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को फूल दिखा दूँ क्योंकि मैंने दिखाया ऊपर छत पे क्या क्या फूल लगाए हैं, तो मैंने आप उसका अपडेट दे दी थी कि कुछ कुछ तो हो गए, कुछ कुछ ख़राब भी हो गए। अब मम्मी जी आलू निकाल रही थी और बहुत सारे आलू निकल गए थे और इतने छोटे छोटे लाल आलू हैं, सफ़ेद आलू से ज़्यादा अच्छे मुझे लाल आलू लगते हैं, लाल आलू ही लगाए थे मम्मी जी ने छत पे। तो इस कुछ इस तरह से वो आलू निकाल रही हैं। अभी तो सिर्फ ये एक जगह से निकल रहे हैं, जो आम का पेड़ लगा है ना, यहाँ से आलू निकाल रही हैं, और ये आलू बहुत सारी जगहों पे लगा है पूरी क्यारियों में। अभी वो बड़े होते रहेंगे तो मम्मी जी उनको आके फिर से निकालेंगे। इन सब के ना पकौड़े बनाने के लिए मम्मी जी ने कहा कि छोटी होली के दिन पकौड़े बनते हैं, तो इन आलुओं को भी बना देना। तो आप देखिए छत पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि हम तीनों साथ में हैं। मौसम अच्छा लग रहा था, लेकिन धूप अभी जा रही थी, धूप पूरी तरह गई नहीं, थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी मुझे। और मम्मी जी लगी हुई थी आलू निकालने में, प्याज के पत्ते निकालने में, वो बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। और दादी जो है आराम से जाकर बैठ गई, उनको हवा यहाँ पे ना बहुत अच्छी लग रही थी और कहती कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। और ये देखिए आम में कैसे मंजर आ रहे हैं, छोटे 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 आम से आ रहे हैं, और इतना छोटा सा पेड़ है अभी और इसमें इतने सारे आम आने लग गए हैं। टच वुड ये बस हो जाएं ग्रो, हम इसी का वेट कर रहे हैं कि आम खाने को मिल जाए हमें इस पेड़ से। और मम्मी जी ना अभी साग तोड़ रही हैं और पत्ते तोड़ रही हैं, क्योंकि इन सबके ना वो पकौड़े बनाने के लिए बोल रही थी कि इन सबको काट के मिक्स कर देना और इन सबके पकौड़े बन जाएंगे। और मुझे लगा है कोई फूल है, और मम्मी जी ने बताया फूल नहीं है, जो ग्रीन वाला ग्रीन अनियन, मतलब अनियन डालते हैं, ग्रीन अनियन होता है ना जो बेचते हैं, तो ये वही है जो इसके साथ पत्तों के साथ बेचते हैं, उसके ऊपर ये फूल सा आ जाता है, तो उसमें बीज आता है, फिर इस बीज से और ज़्यादा अनियन आते हैं। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। तो मम्मी जी वही निकाल दिए कुछ कुछ पत्ते कि जिनके पकोड़े बनाने हैं। और मैं नज़ारा देख रही हूँ कि यहाँ पे चांद आ गया, उधर सूरज डूब रहा है, कितना प्यारा मौसम है। मतलब जब मैं ऐसे नेचुरल चीज़ें नेचर्स के पास जाती हूँ ना, बहुत अमेज्ड हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी छत पे बिल्कुल नहीं आ पा रही हूँ, ये हमारे पड़ोस की छत है, आंटी ने कितने सारे गमले लगा रखे हैं, मैं हमेशा वही देखती रहती हूँ कि आंटी की छत पे कितने हरे भरे और कितने प्यारे गमले हैं टच वुड। और आंटी का भी चैनल है जिसपे ये सारी चीज़ें बताती भी हैं कैसे केयर करती हैं। यहाँ दादी नज़ारे देख रही हैं बाहर की और मम्मी जी बात करने लगी हैं पड़ोस में, और राहुल आ गए, तो मैं अब नीचे जाने के लिए तैयार हो रही हूँ कि मैं नीचे चली जाती हूँ। ऊपर ना हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब मुझे नीचे जाना पड़ रहा है क्योंकि राहुल आ गए और दादी मेरे साथ साथ आ रही हैं। लेकिन ऊपर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मन था कि ऊपर ही रहूँ थोड़ी देर, लेकिन अब उनको कुछ नाश्ता पानी देना है तो मैं नीचे आ रही हूँ और आराम आराम से उतर रही हूँ मैं। ये है छोटी होली की सुबह की क्लिप। मैं बनाने जा रही हूँ जिमीकंद की सब्जी, जो थोड़ा सा इची सा होता है, मतलब मुंह में ना ये जा करके थोड़ी सी खुजली सी करता है, तो इसके लिए पहले मैं इसको सुबह सुबह धूप में रख रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसको धो लिया है काट करके, और कटवाया मैंने मम्मी जी से। मैं इसको नहीं काटती क्योंकि हाथ में बहुत खुजली करता है, तो इसको पन्नी लगा के या आपने किसी बड़े से जिनको एक्सपीरियंस उनसे कटवाई है। और उसके मैंने नमक और हल्दी डाल करके थोड़ा सा मिला दिया, मिला भी मैं हाथ से नहीं रही, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि इसको मिलाने से भी ना हाथ में खुजली खुजली से होने लग जाती है। तो बस इसको मिलाने के बाद मैंने इसको धूप में रख दिया है। अब धूप में रखने से क्या होता है, इसका पानी जो है वो रिलीज़ होता है, और पानी में जो होता है ना ज़्यादा इरीटेशन उसी के अंदर होती है, तो थोड़ा पानी रिलीज़ हो जाता है, तो थोड़ा कम खुजली होती है इससे। और अगर आप इसको पूरे मतलब एक दिन पहले धूप में रख दोगे अच्छी तरह से सूख जाए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मम्मी जी ने मुझे थोड़ा लेट दिया था। पुच्चू जा रही है स्कूल के लिए, तैयार हुई है, ये सुबह सुबह की क्लिप है छोटी होली के दिन की, और ये स्कूल जा रही है होली खेलने के लिए, और ये पोज दे रही है। जब मैंने कहा कि दिखाओ अपनी टी शर्ट कैसी लग रही है, ये पापा ने बना के भेजा उसके लिए, मतलब मैंने सुमित को बोला था एक टी शर्ट इसके नाप की बना दे, तो हमारी टी शर्ट की फैक्ट्री है, तो ये तुरंत ही बना करके उसने उसी टाइम राहुल के लिए और पुच्चू के लिए, मतलब उनको साइज़ भी कैसे परफेक्ट सा हो गया। राहुल को भी ऑफिस में होली खेलने जाना है, तो वो भी तैयार हैं होली खेलने के लिए, दोनों निकल गए हैं। पहले राहुल बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, फिर कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर खुद होली खेलने जाएंगे। और मेरी होली हो रही है किचन के अंदर, काम करते हुए। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया में ज़्यादातर औरतों की होली ऐसी होती है, होली दिवाली दशहरा कुछ भी हो किचन के अंदर ही मनता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कल का व्लॉग मैं आज भी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल फिर ना मैं शाम को छत से आने के बाद मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि राहुल आ गए थे, फिर सुमित होली की टी शर्ट्स लेके आया था राहुल के लिए और बच्चों के लिए, और उसके बाद गप्पों में लग गए, फिर खाना बनाने में लग गई मैं, और मैं बिल्कुल ही ब्लॉक करना भूल गई। ऑफिस और स्कूल दोनों चले गए, उसके बाद अब मैं इसको जिमीकंद की सब्जी को तल रही हूँ। इसको तलना बहुत ज़रूरी है, और जितना अच्छे से इसको तलिएगा रोस्ट रहेगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा इची सा भी होता है, वैसे ही कच्चा कच्चा रह जाएगा अगर आप इसको सब्जी बना दीजिएगा या बॉईल कर दीजिएगा। इसको इस तरह से तेल में तलना बहुत ज़रूरी है, तब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
तो आप देखिए किस तरह से इसको मैंने ब्राउन कर दिया है, जलाना नहीं है लेकिन हाँ हाई फ्लेम पे करिएगा क्योंकि टाइम लेता है थोड़ा सा, पकने में भी टाइम लेता है थोड़ा सा। तो जब ये ब्राउन हो गया तो ब्राउन होने के बाद मैंने इसको निकाल दिया। अब इसके मसाले में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, लहसुन। लहसुन हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में इसमें यूज़ करना है। अब ये नहीं पता मुझे कि क्यों, शायद मुँह काटता है इसलिए, लेकिन मैंने बड़े पापा को अपने, मेरे बड़े पापा सबसे अच्छे ओल की सब्जी बनाते हैं घर में, और इसको जिमीकंदी बोलते हैं, हम बिहार में ओल बोलते हैं। तो इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और कुछ खड़े मसाले डाल के मैं इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे यही बताया था कि लहसुन बहुत यूज़ करते हैं इसके अंदर, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और इस सब्जी का फ्लेवर उसी से आता है। उसके बाद मैंने दूसरी कढ़ाई में तेल डाला है, तेल को होने दिया है मैंने हल्का गरम। गरम होने के बाद इसमें वही जीरा और तेजपत्ता, हींग, इन सब का तड़का लगा देंगे हम। आप चाहें तो खड़े मसालों का भी लगा सकते हैं, पर मैं खड़े मसालों मैंने पीस लिया है, तो मैं ज़्यादा खड़े मसाले वैसे तड़के में यूज़ नहीं करने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये नॉनवेज को फेल कर देगा। जो लोग वेजिटेरियन है और नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, वो ये सब्जी बनाए, वो नॉन वेजिटेरियन भी आके कहेंगे कि भैया हम ये वाली सब्जी खिला दो, इतनी टेस्टी बनी थी, और लिटरली ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके बाद इसको, इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था ना अदरक लहसुन इन सब का, उसको मैंने मिला दिया और उसको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें प्याज ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो सिर्फ एक प्याज ही मैं स्लिट करके डाल रही हूँ, ज़्यादा प्याज नहीं डाल रही हूँ, और उसको इसी के साथ मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो थोड़ा हाई फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई करा है। प्याज को मैंने थोड़ा सा गलने दिया है, ब्राउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि एक ही प्याज है, वो अपने आप इसी में मसाले मिल जाएगा। उसमें मैंने नमक डाला है ताकि प्याज थोड़ा जल्दी हो जाए। उसके बाद मैंने कम से कम 4 टमाटर लिए होंगे, उनका पेस्ट बनाया है, क्योंकि इसको थोड़ा खट्टा होना भी ज़रूरी है, और बहुत लोग टमाटर कम डालते हैं। मेरे घर में जब मम्मी बनाती थी टमाटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, लहसुन अदरक इन सबका पेस्ट ही होता था मेन, लेकिन और कोई अमचूर पाउडर डाल देता है, पर मुझे ना टमाटर डाल के इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बताती हूँ ना, खाना हमेशा अपने तरीके से बनाना चाहिए, मतलब बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो ट्रिक्स भी यूज़ करिए, लेकिन अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। मीनवाइल मैं पकौड़ों के लिए बेसन को फेंट रही हूँ। इसको जितना अच्छा फेंटते हैं उतने अच्छे पकौड़े बनते हैं, मतलब वो सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं, उधर मसाला भी हो रहा है। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया, उसमें पानी डाला, नमक डाला, अजवाइन डाला। और अगर आपको कढ़ी पकौड़ा वैसे आता होगा, नहीं आता होगा, तो मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी है, और यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपी है यार कढ़ी पकौड़ों की, तो भी आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया काट करके डाला, और हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी, सिर्फ एक हरी मिर्च डाली है, और हरा धनिया डाला, प्याज नहीं डाला। आप चाहते हो प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन पहले अच्छे से फेंटने के बाद ये सब चीज़ें डालिए, क्योंकि अगर आप फेंटते समय डालोगे ना तो अच्छा फिटेगा नहीं। अब जब मसाला अच्छे से पक चुका है, तो मैंने इसमें डाल दिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और मैं इसमें डाल रही हूँ राजमा मसाला पाउडर। अब जिमीकंद मसाला पाउडर तो मिलता नहीं है, राजमा मसाला पाउडर डाल दिया मैंने, इसमें डाल दिया कश्मीरी मिर्च, और ये है राजमा मसाला पाउडर। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं ज़्यादा SGS के मसाले यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको डालने के बाद मैं बहुत अच्छा मिक्स दूंगी इन मसालों को, और ये सब्जी ना थोड़ी सी मसालेदार, चटपटी, यही अच्छी लगती है। इस सब्जी को अगर आप ऐसे बिना फ्लेवरफुल बनाओगे, कम मसालों बनाओगे ना, तो टेस्ट नहीं आएगा, ऊपर से मुंह तो अलग ही काटता ही है। इसमें मसाले को पकने के लिए मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी, और उसके बाद अब मैं तल रही हूँ पकौड़ों को, क्योंकि अब कढ़ी भी तो बनाना है साथ साथ, कढ़ी पकौड़े और जिमीकंद की सब्जी और चावल, ये चीज़ मुझे बनानी है। तो यहाँ पर पकौड़े तलने के लिए मैंने रख दिए हैं, और पता है आज दीदी भी नहीं आएंगी, वो छोटी होली को नहीं आएंगी, बड़ी होली को नहीं आएंगी, मतलब 2 दिन मेरा काम बहुत बढ़ा हुआ है, बर्तन हर एक चीज़ मुझे ही करनी है। तो कोई नहीं, अब कभी कभी हो जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कभी कभी नॉर्मल डेज में ओके है, लेकिन जब ऐसे डेज में कभी कभी आता है ना, तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। आप देख सकते हो कितना मैसी हो गया किचन, मतलब खाना बनाते समय किचन मैसी होता ही है। आई डोंट नो सबका होता है नहीं, लेकिन मेरा बहुत होता है, मुझे है कि मेरे सामान बहुत फैल जाता है खाना बनाते समय। तो पकौड़े हो चुके हैं अच्छे से तैयार, तो पहले इनको मैं तल के निकाल दूंगी पकौड़ों को, और देखिए किसे ब्राउन से हो गए। ये पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनको फैट दो तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। मीनवाइल मेरी सब्जी बन रही है, और सब्जी की ग्रेवी भी बहुत अच्छी लग रही थी दिखने में, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी क्या बताऊँ। ये नहीं है मैं बना रही हूँ तो मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन हाँ अगर अच्छी बना रही हूँ तारीफ़ करनी चाहिए, अपनी तारीफ करने में कौन सी बुराई है, सब थोड़ी ना तारीफ़ करते हैं, लोग तो चुगलियाँ करते हैं, तारीफ़ हम खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जी जो है अच्छी बनी थी, क्योंकि मसाले भी अच्छे थे, अच्छे से मसाले डालोगे, अच्छे से फ्राई करोगे तो किसकी सब्जी ख़राब बनती है, सबकी अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर जिमीकंद, और जिमीकंद को भी अच्छे से फ्राई किया मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होने लगा, तो मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब पानी डालने के बाद इसको ढक दूंगी, क्योंकि इसको पकने में लगेगा टाइम। वैसे तो लोग प्रेशर कुक भी कर देते हैं, फिर ना वो गल सा जाता है, फिर पूरी सब्जियां ना ऐसा लगता है कि उसका वो सूप सा बन गया, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। थोड़ा सा अलग चंक्स दिखने चाहिए, मसाले दिखने चाहिए, वो अलग सा ही फ्लेवर देता है। तो इस तरह कढ़ाई में उसको थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा।
अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, पहले गैस ऑन कर दिया, तेल गरम किया, उसमें फिर खड़े मसाले का तड़का लगा दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया। अब ये हरा धनिया एक बड़ा सा डिफरेंस देता है जब तेल के अंदर इसको डालोगे काट करके। वो क्या डिफरेंस देता है वो तो आपको खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। कलर में भी चेंज कर देता है कढ़ी के, थोड़ा सा अच्छा सा दिखने में लगता है, टेम्पटिंग सा। फिर मैंने डाल दिया एक प्याज। अब प्याज को मैंने ब्राउन होने दिया, फिर डाल दिया स्लिट करके लहसुन। अब इनको भी अच्छे से ब्राउन होने दिया। अब डाल दी मैंने कढ़ी, और जो कढ़ी बनाने के लिए बेसन और दही था उनको फैट रखा था वो डाल दिया। तो प्याज को ना ब्राउन बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे पिंक प्याज अच्छे नहीं लगते, ब्राउन ब्राउन अच्छे लगते हैं। उसके बाद इसमें पानी डाल दिया, जितना पानी आपको डालना है, जैसा रखना है, थिक रखना है ज़्यादा, थिन रखना है ज़्यादा। मुझे मीडियम कंसिस्टेंसी पसंद है, और ऊपर से पकौड़े भी जा रहे हैं ना, तो ये अपने आप ही थिक भी हो जाएगा, तो मैंने पानी ज़्यादा डाला है। अब मैं ज़्यादा कढ़ी भी बना रही हूँ, क्योंकि शाम को भी काम आ जाएगा फिर ये, फिर क्योंकि शाम को फिर पकौड़े वगैरह बनाने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बन पाएंगी मेरे से इतनी सारी, तो मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा बना दूँ ताकि शाम को काम आ जाए। अब इसमें कुछ खड़े मसाले, सॉरी सूखे मसाले डाल रही हूँ मैं, जिसमें हल्दी, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा डालता है, कश्मीरी लाल मिर्च, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कढ़ी मसाला हो तो आप यूज़ कर सकते हो, तब आपको ये मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ होता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने यही चीज़ डाल दी। अब इधर मेरी कढ़ी बन रही है, कढ़ी में अपना बॉयल आता रहेगा, वो चढ़ा के रख दो, उसको एक घंटे पकने दो। कढ़ी को जितने अच्छे से पकाओगे ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ बन रही है सब्जी, और मुझे तो सब्जी ना मतलब अभी तक याद है टेस्ट की। पुच्चू को इतना पसंद आया था, वो स्कूल से आई और आते के साथ कह रही मम्मी इतनी अच्छी खुशबू किसकी आ रही है, मुझे खाना दो। और उसे मैंने सब्जी चावल दी थी तो कहती मेरे को नानी के घर में भी ना यही वाली सब्जी पैक करके दे दिया करो, अब रोज़ रोज़ मैं सब्जी बनाती रही हूँ। उसको बहुत पसंद आई। तो जब बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, दैट मीन्स कि वो अच्छी है। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ सफ़ाई करने। अब मैं आपको किचन दिखा दूँ कितना मैसी हो रखा है किचन, तो अब सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक सब्जी बन रही है, कढ़ी बन रही है, और मैं कर रही हूँ थोड़ा अपना काम यहाँ पे सफाई वगैरह, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या चीज़ें अब मैं कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि किचन का बस आप ये दिखाते हो कि क्या खाना बना रहे हो, थोड़ा बहुत दिखाया भी करो बाकी काम। तो बाकी काम यही होता है यार, कि सफाई होती है, मैस जितना फैल रहता है वो सब साफ़ करना होता है। आज दीदी नहीं आई है तो काम थोड़ा बढ़ा हुआ है, वैसे वो बर्तन धो के चली जाती हैं तो मेरे को यही मैस साफ़ करना होता है। जबकि मैं उनको बहुत बार बोलती हूँ कि दीदी ये कर देना वो कर देना, पर आपको पता है कि हर कोई आपके घर का काम आप ही कर सकते हो अच्छे से, बाकी लोग सिर्फ नहीं करेंगे जितना आप उनको बोलोगे, क्योंकि वो उनका घर नहीं है, उनको बस है कि उनकी सैलरी मिल रही है, उनको जितना काम करना है उतना कर देंगे। तो बहुत सारे काम रह जाते हैं, लाइक टाइल्स वगैरह पोछना, वो सब वो नहीं कर पाती, या हम बोलने पे कभी कभी कर देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा यार आज जब अपना हाथ लगा रही हूँ तो मैं टाइल्स वगैरह साफ़ कर ही दूँ, थोड़ी सी मेहनत ही तो लग जाएगी और क्या। लेकिन ये मुझे बहुत भारी पड़ा था जब मेरी कमर में दर्द होना चालू हो गया। लेकिन कभी कभी होता ना जोश में हम सोचते नहीं कर देंगे, जब लगी हूँ काम में तो ये लग गया था ये काम भी कर देती हूँ, और करने के बाद पता चलता है कि ये काम अभी हमारे बस में नहीं है जितना हम कर ले रहे हैं। तो उसके बाद अब आप देख सकते हो कि कढ़ी इधर बन रही है और मैं लगी हूँ अपने काम में बस। और ना मुझे एक चीज़ ध्यान आई काम वाम करते हुए, कि बच्चे चले जाते हैं अपनी होली मनाने, बाकी चले जाते हैं जो पति वगैरह हैं वो ऑफिस में होली मनाने, पर रह जाती हैं औरतें। मतलब अगर हम शादीशुदा नहीं होते तो हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे, मम्मी लगी रहती थी किचन में, कभी वो कुछ बना रही, हम आके खाना मांगते थे सीधे। लेकिन अब लगता है कि सबकी होली होनी चाहिए, मम्मियों की भी होली होनी चाहिए। अब जब मैं मम्मी बनी हूँ, जब मैं काम में लगी हूँ, तो मुझे फील आता है कि हमें सबको साथ में मिलकर घर में काम कर लेना चाहिए, ताकि सिर्फ एक औरत ना लगी रहे काम में, उसका भी त्यौहार है, उससे भी करने का। खैर मैं तो बहुत कम काम कर रही हूँ, खाना पीना ही बना रही हूँ, राहुल मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, राहुल ने बहुत हेल्प करी मेरी, शाम को भी उन्होंने बहुत हेल्प करी। लेकिन सबको ऐसे हेल्पिंग हैंड नहीं मिलते हैं, सबके पति हेल्प नहीं करते हैं। तो ये ख्याल पता नहीं क्यों मुझे आया कि हर एक का त्यौहार होता है यार, सबको खेलने का हक है, तो काम मिलकर कर ले कोई, या फिर अगर आपके घर मेड नहीं है तो आप पत्नी के साथ मिलकर काम कर लो, या बहू है तो सास मिलकर कर ले, तो सबका काम ना आसान हो जाता है और सब अपने अपने उस त्यौहार को ना इन्जॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक औरत को किचन में लगे रहने देना कि वो बनाएगी, वो खिलाएगी, वो पिलाएगी, और हम अपने मस्ती कर रहे हैं, अपने दोस्तों की टोली के साथ घूम रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन पहले मैं नहीं सोचती थी, पहले मैंने भी यही काम किया है कि मम्मी किचन में लगी हुई है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कर आ रही हूँ, मम्मी को बोली मम्मी पकौड़े दे दो, मम्मी ये दे दो। उसने समझ नहीं आता शायद, एज अ मदर मम्मी को भी समझाना चाहिए कि बेटा मैं लगी हुई हूँ, आप मेरी हेल्प करो। मम्मी अगर मुझे बोलती कि नहीं बेटा तू भी मेरी हेल्प कर, तो शायद मैं चीज़ सीखती। तो हमें अपने बच्चों को चीज़ ज़रूर सिखानी है कि नहीं, त्यौहार सबके लिए इक्वल है, सब मिलके घर में काम करें, जल्दी जल्दी काम भी निपट जाएगा और फिर सब इंजॉय करेंगे साथ में। क्योंकि फिर मम्मी सिर्फ किचन में लगी रहे और बाकी लोग इंजॉय करें ना, तो वो मम्मी के लिए ज़्यादती है, अब मुझे ऐसा लगता है।
तो अब देखिए सफाई वगैरह हो चुकी है और मैं ऑलमोस्ट टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ, और जितने गंदे बर्तन हैं सबको मैंने सिंक में डाल दिया। अलग ही हाथ में बर्तन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर सिंक भर गया और बर्तन ज़्यादा हो गए ना तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। और मैं बार बार यही कर रही थी कि मैं लगे हाथ कर दूँ, क्योंकि दो दिन दीदी को आना नहीं है, दो दिन के बर्तन जमा करना, वो भी होली के दिन जब सब घर में आएंगे, नॉट गुड। तो मैंने सोचा पहले इसको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर कढ़ी में भी बहुत अच्छा बॉयल आ गया है और कढ़ी भी ऑलमोस्ट तैयार हो रही है। और यहाँ सब्जी को भी मैंने ढक के रख रखा है, सब्जी को मैंने काफ़ी देर पकाया, कम से कम आधे घंटे मैंने सब्जी को पकाया होगा, क्योंकि इसका फ्लेवर भी फिर अच्छा आ जाता है और ये पक जाता है अच्छे से। अब कढ़ी जब हो गई तो मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए। आप चाहें तो पकौड़ों को पहले पानी में डाल के भी रख सकते हो, उससे भी सॉफ्ट हो जाता है, पर मैं कढ़ी में ही डाल देती हूँ सीधा, ताकि कढ़ी का जो पानी है ना वो जाए पकौड़ों के अंदर। अब बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, सब्जी बन चुकी है, ऑलमोस्ट किचन का मेरा सारा काम हो चुका है। अब काम बच रहा है घर की सफाई का, झाड़ू पोछा, और पोछा तो खैर मैं नहीं लगा पाऊंगी, लेकिन झाड़ू और ये फूल मेरे जो है ना मुरझा रहे हैं क्योंकि पानी नहीं दिया, अब इनको पानी देना है मुझे। उसके बाद देखिए सब्जी का कलर इतना प्यारा, इतना टेम्पटिंग, और लिटरली यार ये ना नॉनवेज जैसा फील दे रहा था, जैसा ऐसा लग रहा था वेज सब्जी बनाई हो कोई। तो हम वेजिटेरियंस को बड़े टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी सब्जियां नॉनवेज वाली फील दे देती है। मतलब कौन कहता है सिर्फ हमारे पास पनीर है, हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। अब मैं कढ़ी में छौंक लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने तवे पे ही कर दिया, क्योंकि अब मैं बर्तन गंदे नहीं करना चाहती थी, धोना तो मुझे ही है ना। तो मैंने कढ़ी का छौंक लगाने के लिए तेल डाला, उसमें लाल मिर्च डाली और उसमें करी पत्ता डाला जिसे मैंने सुखा के रख लिया, घर का ही करी पत्ता है ये, और उसमें तेज पत्ता डाला है। और हींग तो मस्त है भाई, कढ़ी में हींग का टेस्ट ना ऐसा हो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने हींग डाली है, ये हींग बहुत स्ट्रांग है तो मैं थोड़ा सा ही यूज़ करती हूँ। अब बंद करके करा मैंने गैस को, और उसके बाद गैस को बंद करके ही मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली कि कलर अच्छा है। और इसको अच्छे से सॉटे करने के बाद मैं कढ़ी में लगा दूँगी एक तड़का प्यारा सा, मतलब ये ना कलर इतना प्यारा देते कढ़ी को। अब मैं हमेशा बोलती हूँ ना, खाना पहले आंखों से खाया जाता है, वो जितना टेम्पटिंग लगता है दिखने में, खाने में उतना ही मज़ा आता है। मतलब खाना बनाना मुझे लगता है कि खाना चाहे आप कितने भी थके हो, कुछ भी हो, खाने को दिल से बनाओ, क्योंकि खाना पेट में जाता है और फिर दिल तक भी जाता है। और अच्छा लगे दिखने में खाने में ना, तो दिल से दुआएँ निकलती हैं कि यार भूख में खाना ही अच्छा होना चाहिए। तो मेरा मूड अगर ख़राब रहे, चाहे मैं कितनी भी थकी रहूँ, अगर मुझे खाना बनाने की ड्यूटी मिलती है और अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ खाना हमेशा टेस्टी बने और चू मतलब खुश हो गए खाए। मेरा सबसे ज़्यादा अब तो मेरा मेन फोकस उसी पे रहता है कि उस वो जो भी खाए उसको अच्छा लगे। उसको अच्छा नहीं लगता ना तो मुझे फिर वो फील नहीं आता कि यार मैंने मेरा वर्थ है खाना बनाना, शायद सारी मम्मियाँ ऐसी होती होंगी यार। तो देखिए मेरी थाली लग गई है, कढ़ी, चावल, ये जिमीकंद की सब्जी और बस। और उसके बाद मैंने खाना पीना खा लिया अपना, और कुछ स्कूल से आई, और ये मेरा मीशो से दूसरा जो काफ्तानी कुर्ता है वो रिसीव हुआ, ये मुझे पड़ा था 428 में। इन सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ना ये कुर्ता थोड़ा टाइट है मुझे, जबकि मैंने डबल एक्सल मंगवाया, फिर भी टाइट है लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे दिखने में। 428 में वर्थ है, कपड़ा भी अच्छा है और बहुत ब्राइट कलर है तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको शायद बाद में पहन लूँ, अभी अगर ना पहन पाई तो, क्योंकि अभी तो पेट से थोड़ा टाइट हो रहा है मुझे। अब पुच्चू आपको रिव्यू दे रही है, पुच्चू दिखा रही है, मतलब जब भी मेरे कपड़े आते हैं तो पुच्चू और राहुल ही करते हैं। अब ये है शाम की क्लिप, शाम को मैं पकौड़े बनाने के लिए वही आलू जो मैंने ऊपर तोड़ा था, ऊपर निकाला था मम्मी जी ने, वही आलू ले रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने चावल और मूंग दाल को पीस दिया, उनको भिगो के रख दिया था सुबह से और पीस दिया, उसमें फिर मैंने कश्मीरी मिर्च और हल्दी और नमक और हींग डाला है, और थोड़ा सा काली मिर्च भी आप डाल सकते हो। और ये सारी सब्जियाँ पत्ते जितने थे ना वो मैंने काट लिया, गोभी, घिया और सीताफल, इन सबका पकौड़ा बनाने के लिए मम्मी जी ने कहा था तो वो सब भी कट कर लिया है। अब राहुल भी ऑफिस से आ चुके हैं होली खेल के, और देखिए कितनी अच्छी होली खेली उन्होंने। पुच्चू भी ऐसी आई थी, मतलब पुच्चू ने तो इतना ज़्यादा नहीं खेलता, उसकी क्लिप मैंने बनाई नहीं, लेकिन राहुल पूरा खेल के आए हैं होली, फुल मस्ती करी इन्होंने अपने ऑफिस में। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ नाश्ता वाश्ता दूंगी इनको मैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े। अब पहले मैं दादी के लिए थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं मिर्ची डालूंगी और दादी मिर्ची नहीं खाती हैं तो मुझे उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर दादी के लिए पहले मैं कुछ घोल तैयार कर रही हूँ, पहले मैं सबसे पहले उन्हीं को बना के देने जा रही हूँ पकौड़े। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ, और ये जो चावल और दाल का मैंने मिक्सचर बनाया थोड़ा सा वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। और जो मैंने घोल बनाया है उसमें से भी मम्मी जी को थोड़ा सा मुझे देना है, जिसमें वो बनाएंगी भवरा, तो वो बनाने के लिए मैं इसमें भी थोड़ा सा बेसन ऐड करूंगी, और बेसन ऐड करने के बाद मैं इसको भी मिक्स करूंगी अच्छे से। तो मैं पहले बना के दे रही हूँ दादी को पकोड़े, उनके लिए फिर मैं बना रही हूँ घिया के, बैंगन के, आलू के पकोड़े, गोभी के वो नहीं खाते इतना क्योंकि वो थोड़ा हार्ड सा हो जाता है, लेकिन बाकी सारे बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो पहले मैं उनको बनाकर दे रही हूँ पकोड़े, और जितने मैं तल रही थी राहुल को पता है कि मैं तेरे खड़े होकर नहीं कर पाऊँगी, उनको वो इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, जब उनको पता रहता है कि खड़े होकर मेरे से काम नहीं होता। मैं वहाँ पर कुर्सी लगा के बैठ गई थी, मैं सिर्फ उनको दाल दे रही थी तेल में, और राहुल इसको तल रहे थे, तल के निकाल रहे थे।
और ये चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हैं कि प्रॉब्लम को समझ के अपना काम कर लेते हैं, बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। और मैं यही कहती हूँ कि हर एक को ना हेल्प करनी चाहिए, चाहे बीवी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, किसी की भी हेल्प कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं सेकंड बैच, फिर भी मैं दादी के लिए बना रही हूँ। पहले मैं उन्हीं को बना करके दे दे रही हूँ। उनको ये सारे पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और ये पकौड़े खाने के बाद वो खाना भी नहीं खाने वाली हैं। तो मैं उनको सोच रही हूँ कि जितने पेट भर जाए उनका, उतने पकौड़े उनके लिए बना दूँ पहले और उनके लिए निकाल दूँ। तो ये देखिए पकोड़े बनके हो गए हैं तैयार, और पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किए गए हैं क्योंकि दादी के लिए बन रहे हैं तो क्रिस्पी चीज़ें नहीं खा पाती हैं, इसलिए उनके लिए नहीं, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया गया है। और ये जो ऊपर से जो पत्ते और आलू तोड़ के लाई थी उसके पकोड़े, और सच में बहुत टेस्टी लग रहे थे क्योंकि इसमें ना लहसुन के पत्तों का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, एक लहसुन जैसी स्मेल आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। और आलू भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा थे, तो इसका टेस्ट तो अलग ही अल्टीमेट सा फील आ रहा था, जैसे कि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जियों के अगर आप पकोड़े बना के खाओगे ना तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हो गए हैं दादी के लिए और चले गए, राहुल ने नीचे जाकर दादी को दे दिया है। अब राहुल अपने लिए बना रहे हैं गोभी के पकोड़े, और उसको कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी, उनको बिल्कुल क्रिस्पी करके खाना था, उन्हें डबल फ्राई करा उसको और क्रिस्पी करके खा रहे हैं। और इनको गोभी के पकोड़े सबसे ज़्यादा पसंद हैं, तो वो अपने लिए सबसे पहले यही तल के रख रहे हैं कि पहले मैं खा लेता हूं। और मीनवाइल मैं करने लगी हूं चटनी की भी तैयारी। और अब मैं पापा जी, मम्मी जी और मोनू भैया, जो हमारे रेंटर भी हैं लेकिन पापा जी के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, साथ में ही रहते हैं पूरे टाइम ज़्यादा छतवत पे, तो पापा जी उनके साथ हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, उनको बुलाते जरूर हैं, तो उनके लिए मैं पकोड़े बना रही हूँ। और पुच्चू के तो फेवरेट अंकल हैं वो, तो अब उनके लिए पकोड़े बनाने के लिए मैं अब डाल रही हूँ और चटनी की तैयारी कर रही हूँ। राहुल तब तक पकोड़े तलेंगे। और मैं बनाने लगी हूँ धनिया पत्ते की चटनी। इसके लिए मैं लिए फ्रेश धनिया के पत्ते, उसमें डालूंगी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। और इसके खटास के लिए ना मैंने थोड़ा सा इमली फूलने डाल दिया था, तो इमली का पानी बस मैं डालूंगी। इमली के पानी से चटनी में एक अलग सा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो नींबू यूज़ कर सकते हो, चाट मसाला यूज़ करते हो, कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इमली का फ्लेवर कुछ अलग आता है चटनी में, तो मैं इसके लिए इमली के पानी को यूज़ कर रही हूँ। और उससे चटनी खट्टी भी हो जाती है और टेस्टी भी लगती है खाने में। और जितने चटनी बन रही है राहुल ने कर दिए हैं पकौड़ों को फ्राई, और आप देख सकते हो ये पकौड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। अब इसको जाके पहले मम्मी जी को और पापा जी को दे करके आएंगे, और चटनी भी साथ में मैं दे करके आऊँगी, और फिर उसके बाद हम दोनों ही पकौड़े खा लेंगे। और मैं पकौड़ों के साथ चाय भी बनाने जा रही हूँ क्योंकि चाय पीने का भी बड़ा मन था, शाम की चाय नहीं पी थी मैंने। और अब पकौड़े ऑलमोस्ट सारे बन चुके हैं, तो थोड़े बहुत ये वाले बच रहे थे, तो मैंने सोचा मैं फ्राई कर देती हूँ, राहुल भी थक गए थे, बहुत देर से हम पकौड़े बना रहे थे। तो बस कुछ ऐसी गई थी मेरी छोटी होली। और आपकी छोटी होली कैसी गई कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्या क्या बनाते हो छोटी होली के दिन, होली के दिन, वो सब भी जरूर शेयर करिएगा। और मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।